नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपनी यूट्यूब चैनल टारगेट सिविल सर्विसेज में। आज है 13 अगस्त और मध्य प्रदेश के डेली करंट अफेयर में आज हम 13 अगस्त से जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर होंगे मध्य प्रदेश डेली करंट अफेयर से रिलेटेड, तो उन पर डिस्कस करेंगे। तो लेक्चर लास्ट तक ध्यान से देखिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपने पहले क्वेश्चन के साथ। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, किस जिले के प्रसिद्ध फर्नीचर उत्पाद को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय बाजार उपलब्ध करवाने के लिए हमारे मध्य प्रदेश के सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम विभाग और नेशनल डिजाइन संस्थान के बीच एक एमओयू हुआ है? तो ये छतरपुर जिले के प्रसिद्ध फर्नीचर को, तो इसका आंसर क्या जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, छतरपुर जिले के प्रसिद्ध फर्नीचर उत्पाद को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय बाजार उपलब्ध करवाने के लिए हमारे मध्य प्रदेश के सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम विभाग, जिसके मंत्री कौन है? श्री ओम प्रकाश सकलेजा जी, और नेशनल डिजाइन संस्थान यानी NID के बीच एक MOU साइन हुआ है। देखिए, बात करें यहाँ पर नेशनल डिजाइन संस्थान की, तो इसकी स्थापना कब हुई थी? ये 1961 में हुई थी। इसकी 4 यूनिवर्सिटीज है, कहाँ कहाँ पर? एक तो हमारे मध्य प्रदेश में है, एक आंध्र प्रदेश में है, एक असम में है, एक हरियाणा में है। ठीक है, तो इसकी 4 यूनिवर्सिटीज है हमारे देश में, एक मध्य प्रदेश में, एक आंध्र प्रदेश में, एक असम में और एक हरियाणा में। तो देखिए, 9 अगस्त 2023 को हमारे मध्य प्रदेश में एक जिला एक उत्पाद के तहत छतरपुर जिले के प्रसिद्ध फर्नीचर उत्पाद को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय बाजार उपलब्ध करवाने के लिए हमारे मध्य प्रदेश के सूक्ष्म लघु मध्यम उद्यम विभाग और नेशनल डिजाइन संस्थान के बीच एक MOU साइन हुआ है। एक जिला एक उत्पाद योजना की जो शुरुआत है हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के द्वारा की गई थी, और यह योजना राष्ट्रीय आजीविका मिशन के अंतर्गत आती है। इस योजना को शुरू करने के पीछे का उद्देश्य सभी राज्यों के पास अपना एक प्रोडक्ट ऐसा होगा जिससे उसे जिले व उस राज्य में उसकी अपनी एक अलग पहचान मिलेगी। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, अभी हाल ही में सागर जिले में संत रविदास स्मारक एवं कला संग्रहालय का शिलान्यास किसने किया है? तो यह हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने किया। कब किया? तो ये 12 अगस्त को किया है। ठीक है, तो याद रखिएगा कहाँ पर किया है? सागर जिले में। तो सागर जिले में संत रविदास स्मारक एवं कला संग्रहालय का शिलान्यास जो है हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किया गया है। अमित शाह हमारे देश के गृह मंत्री हैं, नरेंद्र सिंह तोमर हमारे देश के कृषि मंत्री हैं, और ज्योतिरादित्य सिंधिया जो है हमारे देश के नागरिक उड्डयन मंत्री है। और देखिए, जो संत रविदास मंदिर स्मारक है ये 11.29 एकड़ जमीन पर 100 करोड़ रुपए की लागत से बनाया जाएगा, और इसकी दीवारों पर संत रविदास के दोहे और शिक्षिकाएं उकेरी जाएगी, और पूरा जो प्रोजेक्ट है वो नागर शैली, ठीक है, नागर शैली में होगा और कथा वीथिका बनेगी। और देखिए, आपको पता होगा कि 8 फरवरी को, ठीक है, 8 फरवरी को हमारे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मंदिर और स्मारक का निर्माण करने की घोषणा की थी, और संत रविदास मंदिर के लिए पूरे हमारे मध्य प्रदेश के 53,000 गाँवों से मिट्टी और 350 नदियों का जल लाया जा रहा है। तो देखिए, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने 12 अगस्त 2023 को सागर जिले के बड़तुमा में संत शिरोमणि स्वामी श्री रविदास जी के 100 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले स्मारक और कला संग्रहालय के भूमि पूजन और शिलान्यास किया है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के विजन से प्रेरित होकर 100 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से लगभग 11 एकड़ जमीन से अधिक क्षेत्रफल में संत शिरोमणि गुरुदेव श्री रविदास जी स्मारक का निर्माण किया जाएगा, और इस भव्य स्मारक में संत शिरोमणि गुरुदेव श्री रविदास जी के जीवन दर्शन और शिक्षिकाओं को प्रदर्शित करने के लिए एक प्रभावशाली कला संग्रहालय और कला दीर्घा भी होगा। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने कोटा बिना रेल लाइन दोहरीकरण का लोकार्पण भी किया है, और उन्होंने 1580 करोड़ रुपए से अधिक की लागत की 2 सड़क परियोजनाओं की आधारशिला भी रखी है। इसके साथ ही प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने सागर जिले के ढाना में आयोजित कार्यक्रम में 2500 करोड़ रुपए की लागत से कोटा बिना रेल मार्ग के दोहरीकरण कार्य का लोकार्पण भी किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, किस जिले के वन स्टॉप सेंटर को अपने बेहतर प्रदर्शन के लिए स्कॉच अवार्ड के ऑर्डर ऑफ मेरिट 2023 से सम्मानित किया गया है? तो ये बालाघाट जिले के वन स्टॉप सेंटर को, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, बालाघाट जिले के वन स्टॉप सेंटर को अपने बेहतर प्रदर्शन के लिए स्कॉच अवार्ड के ऑर्डर ऑफ मेरिट 2023 से सम्मानित किया गया है। और ये जो वन स्टॉप सेंटर है ये बालाघाट के जो महिला बाल विकास विभाग है इसके अंतर्गत आता है। तो देखिए, महिला बाल विकास विभाग के बालाघाट के वन स्टॉप सेंटर को अपने बेहतर प्रदर्शन के लिए स्कॉच अवार्ड के ऑर्डर ऑफ मेरिट 2023 से सम्मानित किया गया है। बालाघाट वन स्टॉप सेंटर वर्ष 2018 से जिले में सभी प्रकार की हिंसा से पीड़ित महिलाओं और बालिकाओं को एकीकृत रूप से सहायता एवं सहयोग प्रदान कर रहा है। बालाघाट जिले में दूरस्थ क्षेत्र की महिलाओं को भी सखी सेंटर का लाभ मिले,
इसके लिए जिला प्रशासन के प्रयासों से दूसरा वन स्टॉप सेंटर जिले के बहर तहसील में संचालित किया जा रहा है और वर्ष 2003 से स्थापित स्कॉच पुरस्कार एक स्वतंत्र संगठन द्वारा प्रदान किया जाने वाला है। इसका सर्वोच्च नागरिक सम्मान है और यह उन लोगों, परियोजना और संस्थानों को मान्यता देता है जो देश को बेहतर बनाने के लिए अतिरिक्त प्रयास करते हैं। देश की दूसरी सबसे बड़ी फिनटेक सिटी हमारे मध्य प्रदेश के किस शहर में बनेगी दोस्तों? तो ये बनेगी इंदौर में। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। और दोस्तों देश की सबसे बड़ी फिनटेक सिटी कौन सी है? तो वो है मुंबई। मुंबई के बाद दोस्तों देश की सबसे बड़ी फिनटेक सिटी कौन सी रहेगी? इंदौर रहेगी। अच्छा, फिनटेक सिटी किसे बोलते हैं? देखिए, फिनटेक, फिन मतलब होता है फाइनेंशियल, टेक मतलब होता है टेक्नोलॉजी, ठीक है? तो फिनटेक यानी फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी, जिसका अर्थ होता है दोस्तों जब आप अपने वित्तीय कार्य को टेक्नोलॉजी की मदद से पूरा करते हैं तो उसे फिनटेक कहा जा सकता है और इस कार्य को पूरा करने वाली कंपनी को दोस्तों फिनटेक कंपनी कहते हैं। तो देखिए दोस्तों, देश की दूसरी सबसे बड़ी फिनटेक सिटी इंदौर को बनाने का प्रयास है। इंदौर और भोपाल में बड़ी तेजी से स्टार्टअप की संख्या बढ़ी है। इसे और रफ्तार देते हुए हमारे मध्य प्रदेश में पिछले 13 मई को स्टार्टअप पॉलिसी लॉन्च की गई थी। इससे पहले दोस्तों हमारे मध्य प्रदेश में 1937 स्टार्टअप थे जो कुछ महीनों में ही 2200 से अधिक हो गए हैं और वित्तीय वर्ष के अंत तक यह आंकड़ा 3000 से अधिक पहुंचने की उम्मीद जताई जा रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा, मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा खनिज साधन विभाग में खनिज राजस्व बकाया की वसूली के लिए किस योजना मंजूर की गई दोस्तों? तो ये की गई है समाधान योजना। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, समाधान योजना। हमारे मध्य प्रदेश में खनिज निगम की स्थापना कब की गई थी? ये 1962 में की गई थी। इसके बाद दोस्तों मध्य प्रदेश की पहली खनिज नीति कब आई थी? ये 1995 में आई थी, 1995 में आई थी मध्य प्रदेश की पहली खनिज नीति। उसके बाद दोस्तों 2004 में मध्य प्रदेश में गौण खनिज नीति आई थी, ठीक है? तो 2004 में मध्य प्रदेश में गौण खनिज नीति आई थी और मध्य प्रदेश की पहली खनिज नीति 1995 में आई थी। और दोस्तों उसके बाद 2010 में, ठीक है, याद रखिएगा, 2010 में मध्य प्रदेश में नवीनतम खनिज नीति आई थी। प्रियांशु राजावत का संबंध किस खेल से है? तो इनका संबंध किस खेल से है दोस्तों? बैडमिंटन से है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। और देखिए दोस्तों, ये है प्रियांशु राजावत, इनका संबंध किस डिस्ट्रिक्ट से है? तो धार डिस्ट्रिक्ट से। इनका जन्म दोस्तों धार डिस्ट्रिक्ट में हुआ था। इनके द्वारा मई 2022 में थॉमस कप जीता गया था। इस बार दोस्तों भारत ने पहली बार थॉमस कप जीता है। कल का क्वेश्चन था हमारा, विमुक्ति जाति दिवस हमारे मध्य प्रदेश में किस दिनांक को मनाया जाता है? ये MPPSC 2021 के प्री में पूछा गया था। तो इसका सही आंसर क्या है दोस्तों? 31 अगस्त। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, 31 अगस्त। और आज के लिए आपका क्वेश्चन है दोस्तों, आदिगुरु आचार्य शंकराचार्य की बहुधातु प्रतिमा स्टेच्यू ऑफ वेनेनेस ओमकारेश्वर में स्थापित की जाएगी, ठीक है? तो दोस्तों आपको बताना है इसकी ऊंचाई कितनी होगी, 100 फीट, 108 फीट, 112 फीट या 120 फीट? तो इसका आंसर पूरा डिटेल में दीजिएगा। हमारा टेलीग्राम चैनल टारगेट सिविल सर्विसेज, तो इस पर डेली क्विजेस होते हैं, तो इसमें आप भी पार्टिसिपेट कर सकते हो। टेलीग्राम चैनल के लिंक आपको हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। दोस्तों लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।